नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दो विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन को नई सरकार के गठन का न्योता दिया। इस दौरान चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा रायत कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें, चंपई सोरेन ने पहली बार 1991 में सरायकेला के उपचुनाव जीता था। उन्होंने 7 बार विधायक का चुनाव जीता है। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन कैबिनेट में दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। इधर राज्यपाल ने चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा था। इसी बीच चंपई सोरेन की सरकार 5 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। इधर 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। शिबू सोरेन के हनुमान कहे जाते हैं चंपई सोरेन। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के हनुमान माने जाते हैं। ये झामो के वर्तमान विधायकों में सोरेन परिवार के सबसे अधिक विश्वसनीय हैं। झारखंड आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। बता दें, मैट्रिक पास चंपई सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1991 में सबसे पहले निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने 1995 में झामो के टिकट पर चुनाव जीता। वर्ष 1991 से लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव तक इनकी केवल वर्ष 2000 में हार हुई है। चंपई भाजपा के नेतृत्व में बनी अर्जुन मुंडा की सरकार में झामुमो कोटे से मंत्री रहे। वहीं बाद में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस व झामुमो की बनी गठबंधन सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री रहे। पिछली हेमंत सरकार में इन्हें कल्याण एवं परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सामने बहुमत परीक्षण के पहले विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि इसकी कवायद तब ही आरंभ कर दी गई थी जब लगा था कि राजभवन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मिलने में देरी होगी। गुरुवार की रात इन विधायकों को हैदराबाद ले जाने की कवायद आरंभ हुई। इसके लिए दिल्ली से विशेष विमान भी मंगाया गया था। विधायकों को भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जाया गया। वहां तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे विमान में भी सवार हो गए। सारे विधायक लगभग 1 घंटे विमान में बैठे रहे, लेकिन नियंत्रण कक्ष से उड़ान भरने की अनुमति ही नहीं मिली। हैदराबाद नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस के कई विधायक। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के नए चेहरे को मौका दिया जाए। शुक्रवार को इसे लेकर बड़े पैमाने पर पार्टी विधायकों की नाराजगी भी सामने आई। ऐसे विधायक हैदराबाद जाने को तैयार नहीं थे। सुबह जैसे ही यह सूचना कांग्रेस नेतृत्व को मिली तो विधायकों को मनाने के प्रयास आरंभ हो गए। विधायकों का कहना था कि वे गठबंधन के साथ हैं। चंपई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। वे शीर्ष नेतृत्व का हर आदेश मानने को तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व उनकी बातों पर गौर करे। स्थिति को संभालने और विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर को स्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा। विधायकों ने यह भी कहा है कि वे अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत करने जाना चाहते हैं। वे हैदराबाद नहीं जाएंगे, लेकिन प्रदेश प्रभारी ने भरोसा दिलाया है कि सबकी बातें मानी जाएगी, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसके बाद विधायक हैदराबाद जाने को तैयार हुए। कांग्रेस से सतर्क रहे चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने पर बधाई देते हुए जनहित के निर्णय लेने और कांग्रेस से सतर्क रहने की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने विधायक दल की बैठक में कहा है कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों के मुख्यमंत्री का वही हस्त्र हुआ है जो हेमंत सोरेन का हुआ। चंपई सोरेन को इससे सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सोच समझ से काम करना चाहिए। कांग्रेस के साथ की वजह से ऐसा लगता है यह सरकार पिछली सरकार की तरह ही तुष्टिकरण से एजेंडे को लागू करने के लिए बनी है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण का खेल खेलती है। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों ने नवगठित सरकार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी के साथ विचार विमर्श किया है।
5 फरवरी को चंपाई सोरेन की अग्नि परीक्षा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने शुक्रवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम तथा रायत कोटे से सत्यनारायण भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री एवं दोनों मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपाई सहित दोनों मंत्री हेमंत सरकार में भी मंत्री थे। बता दें, नई सरकार 5 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। हालांकि राज्यपाल ने इसके लिए 10 दिनों का समय दिया था। बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इधर शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से निकलते हुए नए मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा है कि हेमंत बाबू ने जो काम शुरू किया है उसे वे पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछली सरकार ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया गया था, जो योजनाएं शुरू की गई थी, उन्हें वे समय पर पूरा करेंगे। सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड में चंपाई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री बनते ही चंपाई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में राजीव रंजन को चंपाई सोरेन सरकार में महाधिवक्ता बनाने पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि पूर्व में जो बजट सत्र बुलाया गया था उसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बजट सत्र का नया कार्यक्रम जल्द ही तय किया जाएगा। पहले 9 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला था। वहीं विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रधान सचिव बनाया गया। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि विनय कुमार चौबे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी प्रधान सचिव थे। उन्होंने गुरुवार को स्वतः पदभार त्याग दिया था। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी, 5 दिन की ईडी रिमांड। झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। सोरेन को 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं झारखंड में अब चंपाई सोरेन ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद विशेष अदालत ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी रात होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में कटी। कारा के अंदर हेमंत सोरेन को कैमरे की निगरानी में रखा गया था। जेल प्रबंधन ने पहली रात हेमंत को खाने में रोटी, दूध और आलू गोभी की सब्जी परोसा। रात 8 बजे तक खाना खाने के लिए हेमंत सोरेन से 2 बार पूछा गया, उन्होंने मना कर दिया, बाद में खाना खा लिया। ईडी ने हेमंत सोरेन को क्यों किया गिरफ्तार, एजेंसी ने बताई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपए से अधिक की नकदी के साथ साथ भूमि के कथित अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे, जिन्हें पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किया था। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत की गई गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए ईडी ने यह कहा कि 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी में उन्होंने संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टरों का खुलासा किया, जो राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के कब्जे में थे। चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से झारखंड के लोग खुश। ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक ओर राज्य में आदिवासी मूलवासियों में जहां भारी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं अब राज्य में झामो की सत्ता बरकरार रह जाने से राहत और खुशी भी है। खासकर कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर झामो के केंद्रीय उपाध्यक्ष व आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता में अंदर से खुशी की लहर है। हालांकि खुलकर आतिशबाजी के साथ खुशियां तो नहीं मना पा रहे, लेकिन अपने क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को मुख्यमंत्री बनते देख गर्व महसूस कर रहे हैं। चंपाई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। चंपाई की शख्सियत ऐसे है कि बच्चा बच्चा उनके वाकिफ हैं। हर किसी के दुख दर्द के साथ ही बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। वह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य छोड़ सभी विभाग अपने पास रखे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री को विभाग आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग अपने पास रखे हैं। आलमगीर आलम को संसदीय कार्य विभाग आवंटित किया गया है। कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण भोक्ता को फिलहाल कोई विभाग नहीं दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत साबित करने के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाएगा उसके बाद ही विभाग का आवंटन होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्यपाल के आदेश से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता को मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त किया है। धन्यवाद।